क्या बात है योगेंद्र शर्मा, फिर से वाज टू और वर्ड टू के प्रयोग के साथ आपके अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में, इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने इज टू, एम टू और आर टू का यूज पढ़ाया था और उसके रेस्पॉन्स बहुत अच्छे आए हैं। मेरे पास फोन कॉल्स भी आई हैं तो बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा भी, कई स्टूडेंट्स को ये भी लगता था कि कहीं ऐसा भी यूज़ होता है, वास्तव में ऐसा यूज़ होता है। उन्हें ऐसा पढ़ करके, ऐसा देख करके बड़ा अच्छा फील हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला उनको, तो मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। तो आज हम किसका यूज़ कर रहे हैं, वाज टू और वर्ड टू का यूज़। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब सब्जेक्ट का कोई इरादा या संकल्प सेंटेंस से शो हो तो वहाँ किसका यूज़ बताया था, इज टू, एम टू और आर टू का। हाँ, द वेरी सेम हियर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। कैसे होगा, बस अंतर कितना होगा, पास्ट टेंस में। वो प्रेजेंट टेंस में था, ये पास्ट टेंस में है कि जब सब्जेक्ट का कोई इरादा या संकल्प भूतकाल में प्रकट हो, पास्ट टेंस में प्रकट हो, तो किसका यूज करते हैं, हम वाज टू और वर टू का यूज करते हैं। अब जैसे वाज और वर का यूज होता है, ऐसे ही वाज टू और वर टू का यूज होता है। तो वाज का यूज कैसे करते थे हम, वॉज, वॉज का यूज आई, ही, सी, इट, ये प्रोनाउन होते हैं एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इनके साथ किसका यूज होता है, वॉज का यूज होता है, ठीक है। और वर का यूज कहां होता है, जब सब्जेक्ट हमारा वी हो, यू हो, दे हो, हाँ ये तो प्रोनाउन हो गए, और प्लूरल नंबर हो, और प्लूरल बोले तो बहुवचन, हाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है, वर का यूज होता है। कितनी सिंपल सी बात है। स्ट्रक्चर देखिए, हम यदि हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस यदि हमने बनाया तो उसका स्ट्रक्चर होगा एक, हाँ जैसे कि इज टू, एम टू, आर टू का था, क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में वॉज या वर में से एक लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में अदर वर्ड्स लगाएंगे, ठीक है, फिर अदर वर्ड्स होंगे। अब एग्जाम्पल, मिला एग्जाम्पल का कैसे बात बनेगी, हाँ जैसे राम को वन जाना था, राम को वन जाना था, तो सब्जेक्ट क्या लगाया हमने इसमें, राम, उसके बाद में वाज वर में से क्या आएगा, वर, वर क्यों आएगा, वर क्यों आएगा, वाज आएगा ना, वाज, राम वाज टू गो टू द वन बोले तो फॉरेस्ट, राम वाज गो टू द, वाज टू गो टू द फॉरेस्ट, राम को वन जाना था। अब ये सेंटेंस यदि हम नेगेटिव बनाए तो जैसे इज, एम, आर के बाद नोट लगा देते हैं, वाज वर के बाद नोट लगा देंगे, राम को वन नहीं जाना था, तो राम वाज नॉट टू गो टू द फॉरेस्ट। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव और उसमें भी फर्स्ट टाइप, पहले वॉज वर, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। जैसे क्या तुम्हें, क्या तुम्हें, और वाक्य लिखो पूरा, पूरा वाक्य बताओ मुझे, पूरा वाक्य कैसे करें, क्या क्या करना है पूरा वाक्य, क्या तुम्हें अपने कपड़े
धोने थे हा? तो क्या की अंग्रेजी ना लगाते, क्या करते हैं, वाज वर का यूज करते हैं, तो क्या लगाएंगे, वर यू टू, वर सब्जेक्ट टू वर्ब क्या, धोने वॉश योर क्लॉथ्स, क्या तुम्हें अपने कपड़े धोने थे। और सेकंड टाइप में इससे पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, तुम्हें अपने कपड़े कैसे धोने थे, कब धोने थे, कहाँ धोने थे। हाँ तो इनका यूज बड़े आसानी से, बस अंतर कितना है कि था थी थे आता है, था थी थे आता है, लेकिन उससे पहले क्या होगा, ना जरूर आएगा। हाँ तो इनसे पहले यदि ना आ जाए तो किसका यूज करेंगे, वाज टू और वर टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाज टू वर टू का प्रयोग बड़े आसान तरीके से, बड़े कम शब्दों में आपके सामने मैंने पेश किया, उसको पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे समझा होगा। थैंक यू।